अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने पैरेलल के अंदर अगर प्रोग्राम करना हो या प्रोग्रामिंग को अगर हमने अचीव करना हो पैरेलल के अंदर, तो कौन कौन से मोड्स या कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम लोग पैरेलल के अंदर काम कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को। ठीक है, तो और फिर हम लोग आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं और जिनके थ्रू हम लोग पैरलाइजेशन ऑफ कोड अचीव कर सकते हैं और किसी भी एक प्रोग्राम को पैरेलल के अंदर रन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिर हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ सैम्पल कोड्स देखेंगे, कुछ सैम्पल कोड्स देखेंगे कि जैसे कोडा का कोड देखेंगे या ओपन एमपी का कोड देखेंगे कि जिसमें हम लोग पैरलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कि आपने बोला इससे पहले हमने देखा है कि जो प्रोग्रामिंग है, रिकॉर्ड करूँ। अच्छा तो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट की बात करें कि हमने इससे पहले देखा था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को अगर हमने प्रोग्राम करना हो तो वो कैसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि हम सिंगल इनपुट मल्टी डाटा, मल्टी इनपुट सिंगल डाटा और मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डाटा का सिनेरियो हमने देखा था। इसके अलावा हमारे पास एक और सिनेरियो था जो कि था सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में फ्लिन टैक्सोनॉमी को देखा था। उसमें चार टैक्सोनॉमीज थी ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा था। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा जो था वो हमारे पास स्केलर एप्लीकेशन के लिए था कि जिसमें हमारे पास जो प्रोसेसिंग थी इंस्ट्रक्शन की और डाटा की वो वन बाय वन होती थी। तो फिर उसके बाद हमारे पास वेक्टर प्रोसेसिंग जो थी वो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा के अंदर आई थी, और मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा के अंदर भी वेक्टर प्रोसेसिंग होती थी। और देन उसके अलावा फिर हमने मल्टी इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा देखा। तो हमारे स्केलर एप्लीकेशन से जो ही हम लोग इवॉल्व हुए थे वेक्टर एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग की जब बात हुई, तो उस वक्त फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का इंट्रोडक्शन आया जिसमें हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी स्पेस असाइंड होती है, और उसमें फिर जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग या इस तरह की हमने चीज़ देखी थी। तो उसमें जो हमने प्रोग्रामिंग अगर करनी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसमें हम लोग मैसेज पासिंग के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसकी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की देखी थी। फिर उसके अलावा हमारे पास शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं वो एक मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं। अगर इस तरह का हमारे पास इन्वायरमेंट होगा, मल्टी कोर नोड्स किसी एक मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे, तो इस तरह की इन्वायरमेंट में अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी होगी तो वो हम ओपन एमपी को यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको एक्सेलरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पास अभी हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसमें ग्राफिक कार्ड भी होता है और हमारे पास सीपीयू भी होता है, तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है कि जिसमें हमारे पास जीपीयूज़ भी हों और सीपीयू भी इन्वॉल्व हो, तो इस तरह का जो हमारे पास आर्किटेक्चर बनता है वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर बनता है कि जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो होता है वो सीपीयू पे रन होता है और जो बिगर पोर्शन या बिगर टास्क या कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क जो होता है वो फिर जीपीयू पे रन होता है। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होगा तो हमारे पास वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर बनता है कि जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो है वो सीपीयू पे रन होगा और कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो होगा वो ग्राफिक कार्ड या जीपीयू पे रन होगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी होगी तो वो हम कूडा पे करते हैं या ओपन सी एल में करते हैं। कूडा का मैंने पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कूडा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनवीडिया के जी पी यूज़ पर रन करता है क्योंकि एनवीडिया ने डेवलप किया है, और ओपन सी एल जो है वो ए एम डी पे भी रन करता है और बाकी एनवीडिया पे भी काम कर सकते हैं इस पर। तो फिर अगर हम लोग बात करें शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग की, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कोर्स होंगे जो कि एक मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे होंगे। तो अगर उस तरह की हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास ओपन एमपी की चॉइस होती है। इसके अलावा सी प्लस प्लस के थ्रेडिंग के थ्रू भी, मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर, उसको भी यूटिलाइज करके कर सकते हैं। देन इसके अलावा पी थ्रेड्स का भी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओपन एम पी का जो है वो इन दोनों से बेहतर है क्योंकि ओपन एम पी में जस्ट हमने ए पी आई कॉल करनी है ओपन एम पी की और हमारा बाकी सारा काम हो जाना है, और देन हमने कंपाइलर डायरेक्टिव्स के थ्रू अपनी पैरलाइजेशन को हमने अचीव करना होगा। क्योंकि पी थ्रेड्स और सी प्लस प्लस जो मल्टी थ्रेडिंग है उसके अंदर हम लोग खुद थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, देन उनकी स्केजुलिंग भी करेंगे, तो इस तरह का काम होगा।
हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ओपन एमपी में हम लोग जस्ट सी प्लस प्लस के अंदर या पाइथन जिसके अंदर भी हो, तो ओपन एमपी की हम लोग इस तरह करते हैं कि एपीआई कॉल कर लेते हैं, तो उस वजह से हमारा जो कोड होता है ओपन एमपी में वो रिड्यूस होता है, और उसमें हम लोग कंपाइलर डायरेक्टिव्स यूज़ करके तो जिस रीजन को हमने पैरालाइज करना होता है वो हम कर लेते हैं, जबकि पी थ्रेड्स होंगे या सी प्लस प्लस की जो मल्टी थ्रेडिंग होगी उसके अंदर भी हम लोग पूरा कोड लिखते हैं। वो कैसे होता है एक सैम्पल कोड मैं आपको दिखा देता हूँ पी थ्रेड्स का। ये सैम्पल कोड है पी थ्रेड्स का, जिसमें हम लोग ये सी प्लस प्लस के अंदर कि हम लोग पहले इंक्लूड करते हैं पी थ्रेड्स डॉट एच, ये हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है। देन उसके अलावा फिर हम लोग नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन करते हैं, कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे। देन उसके बाद फिर हमारे पास ये एक हम क्लास बना लेते हैं हेलो की, जिसके अंदर हमने थ्रेड की आईडी और जस्ट एक हेलो प्रिंट करवाना है और थ्रेड की आईडी डी कहेंगे इस, तो फिर उसको हम लोग कॉल करेंगे मेन के अंदर उस क्लास को। तो फिर हमारे पास जो थ्रेड नंबर है किससे वो प्रिंट हो रहा है, तो फिर वो उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स पे इतना ज़्यादा हमारे पास कोड बनता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमें नंबर ऑफ थ्रेड डिफाइन किए, फिर उसके अलावा फिर हमने पूरी थ्रेड की क्लास बनाई जो प्रिंट करेगी जैसे एक काम करेगी। तो इसमें जो हमारे पास कोड देख सकते हैं वो बहुत लंबा है, और इसमें फिर हमें हर थ्रेड को प्रिंट करना है, हर थ्रेड के आउटपुट को प्रिंट करना है, जबकि इसके बजाय अगर सी प्लस प्लस के अंदर देखें तो सी प्लस के अंदर हमें थ्रेड की वही हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। देन उसके अलावा फिर हम थ्रेडिंग इस तरह परफॉर्म करेंगे कि दो क्लासेस बनाएंगे कि जहाँ पे वो कोई अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उन क्लासेस को हम लोग कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, फिर वो अपने जो थ्रेड और जो थ्रेड्स होंगे वो पहले को पहला काम करेगा, पहली क्लास को कॉल करके तो अपना काम शुरू करेगा, देन दूसरा जो थ्रेड होगा वो दूसरी क्लास को कॉल करेगा, और फिर वो बाकी अपना काम जो होगा वो कंकरेंटली तौर पे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके अलावा फिर हमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए वही फोर्क और ज्वाइन का वाला मॉडल जो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा कि हम लोग ज्वाइन करेंगे और सिंक्रोनाइज करेंगे थ्रेड्स को आपस में, पहले वाली थ्रेड को दूसरी थ्रेड्स के साथ, तो और फिर जब तक वो दोनों काम कंप्लीट नहीं करते तब तक वो सिंक्रोनाइजेशन होगी और फिर इस तरह काम चलेगा। जबकि इसके बजाय जो ओपन एमपी का मॉडल है उसमें भी फोर्क ज्वाइन वाला ही काम है, मगर यहाँ पे सारा काम जो है वो एपीआई ही कर लेती है ओपन एमपी की। ओपन एमपी में क्या होता है कि आपके पास सपोज़ ये एक मेन थ्रेड ये था जिसमें जिसके पास आपके पास वो टास्क थे। देन जो ही आप ओपन एम पी का कंपाइलर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं हैश प्रैग्मा, तो वो क्या करता है इस थ्रेड को डिवाइड कर देता है मल्टीपल पैरेलल रीजन्स के अंदर। अब वो आप तो अगर बात करें तो अगर तो आपके पास डुअल कोर आर्किटेक्चर है तो नंबर ऑफ थ्रेड्स जो होंगे वो चार होंगे, क्योंकि दो प्रोसेसर्स हैं। अगर क्वाड कोर होगा तो उसमें हमारे पास आठ थ्रेड्स हो जाएंगे बाई डिफ़ॉल्ट। इन थ्रेड से हम लोग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं ओपन एम पी के अंदर, उसकी नंबर ऑफ थ्रेड्स की कंट्रोलिंग भी हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं। देन जो ही वो पैरेलल रीजन कंप्लीट होगा अपनी यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के बाद, तो फिर हम वापस वो ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो मॉडल है फोर्क ज्वाइन का मॉडल हम लोग ओपन एमपी के अंदर यूज़ करते हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ओपन एमपी का प्रोग्राम कैसे होगा? तो जस्ट हम लोग एक ओपन एमपी की हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, और ये मेन आपके पास कोड हो गया, उसके अंदर हमने जस्ट हैश प्रैग्मा ओ एम पी पैरेलल ये कंपाइलर डायरेक्टिव यूज़ किया। तो ये क्या करेगा कि हमने जो नीचे टास्क है जैसे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग हेलो वर्ल्ड, तो इसको जब कंपाइल करेंगे अगर हम लोग लिनक्स यूज़ करेंगे तो इस तरह हमने कंपाइल करना पड़ेगा। देन उसके अलावा फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स मैं इसको दो देता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स नहीं देता यहाँ पे चूँकि सपोज़ मैंने दो नंबर ऑफ थ्रेड्स दिए तो इस तरह हमारे पास दो दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, अगर चार तीन देता हूँ तो तीन दफ़ा प्रिंट हो के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ओपन एमपी में जो कोड है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस थ्रेड्स या फिर आपके पास पी थ्रेड्स से। तो ये हमारे पास एपीआई की पावर है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोड लाइंस जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं। तो इधर सिंक्रोनाइजेशन का जो मसला है वो भी हमें नहीं करना पड़ता, सिंक्रोनाइज भी आपस में खुद होते हैं थ्रेड्स,
और जबकि उधर हमें C++ की थ्रेडिंग के अंदर भी सिंक्रोनाइजेशन हमें खुद करनी पड़ती थी कोड के अंदर लिख के कब उनको सिंक्रोनाइज़ करना है, जबकि OpenMP में वो थ्रेड्स आपस में खुद ही सिंक्रोनाइज हो जाते हैं इस API की वजह से OpenMP की। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की अगर प्रोग्रामिंग हमने करनी होगी तो इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि MPI के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा PJS भी है, तो या ज़्यादातर हम लोग MPI के थ्रू करते हैं जिसमें मैसेजेस पास करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम का कंज्यूमर प्रोड्यूसर की एग्जांपल देखी थी। MPI की अगर बात करें तो MPI भी जो है वो हमारे पास इसी तरह हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं मेन के प्रोग्राम के अंदर, और दैन फिर हम लोग ये जो MPI INIT है ये हमारे पास मेथड्स होते हैं इसके अंदर, MPI ये इनिशलाइज करेंगे हम लोग, दैन फिर हम लोग देन इस तरह के हमारे पास 4 से 5 जो हैं वो तरीके होते हैं जिससे हम लोग MPI को अचीव कर सकते हैं। जैसे MPI सेंड का एक मेथड है, MPI रिसीव का है, इसी तरह MPI फाइनलाइज का है। तो हमारे पास ये 5-6 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग MPI के अंदर मैसेज पासिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग MPI इनिशलाइज कर रहे हैं, देन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, देन MPI को फाइनलाइज करके, और फिर प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास अगर यहाँ पर अगर हम लोग सेंड करते, सपोज़ MPI सेंड का अगर फंक्शन होता, सॉरी मेथड होता, तो उसमें क्या होता रहता कि हमने फिर सेंड के मेथड के अंदर हमने एड्रेस भेजना था कि कौन से आपने थ्रेड को या कौन से प्रोसेस को आपने या कौन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी को आपने कौन से उसको लोकेशन को भेजना है, तो उसका आपने एड्रेस भेजना था, डेस्टिनेशन एड्रेस, देन उसके अंदर आपने उसको ब्रॉडकास्ट करना है, मल्टीकास्ट करना है, देन उस तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं। फिर अगर जो रिसीवर था उसने रिसीव करना है तो MPI रिसीव का मेथड पर कॉल करता है। तो ये इस तरह हम लोग MPI के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं अमंग द प्रोसेसर एंड अमंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अच्छा, देन इसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप जो प्रोग्रामिंग की आती है वो हमारे पास हाइब्रिड प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें हम लोग एक्सेलरेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जिसमें GPU को हम लोग बेसिकली प्रोग्राम करते हैं, और इधर जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर होता है कि जिसमें जिसमें हमारे पास CPU के ऊपर कुछ पोर्शन ऑफ कोड रन होता है, और रिमेनिंग जो या जो इंटेंसिव टास्क जो होता है, कंप्यूटेशन इंटेंसिव जो कोड होगा वो हमारे पास GPU पे रन होगा। तो इस तरह का जो अगर GPU की आपने प्रोग्रामिंग करनी होगी तो हम लोग CUDA या OpenCL के अंदर कर सकते हैं। तो CUDA का हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ओके, CUDA की एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन इनकी डिटेल जो है वो फिर हम लोग जैसे जैसे कोर्स के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे CUDA का, OpenMP का या MPI का, तो फिर उसमें उसकी डिटेल देखेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू है। तो इधर हमारे पास CUDA के अंदर ये हमारे पास पहले हम लोग इसमें CUDA के अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं, देन जो एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको उस बेसिकली वो मेमोरी एलोकेटेड ये बताती है कि हमने GPU को कितनी मेमोरी एलोकेट की है फ्रॉम द CPU। तो उसके मुताबिक वो बेसिकली हमें कंटेंट्स कॉपी करते हैं फ्रॉम CPU टुवर्ड्स द GPU जो हमने एग्जीक्यूट करते होते हैं ऑन द GPU। फिर उसी तरह हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, देन वो फिर हम लोग रन करते हैं कर्नल को एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो इस तरह हमारे पास CUDA के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। इसकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जैसे आगे जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग मॉडल है बेसिकली उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो CUDA का होता है उसके अंदर हम लोग जो इनर लूप्स होती हैं जिसमें आइट्रेशन या कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको जो इनर लूप्स होती हैं, जो लूप्स जितनी भी जहाँ पर कंप्यूटेशन ज़्यादा होंगी, हम GPU थ्रेड्स की तरफ भेज देते हैं, GPUs की तरफ भेजते हैं। जबकि OpenMP में क्या करते थे हम लोग, OpenMP में हम लोग जो एक्सटर्नल लूप्स थे उनको पार्टीशन करके तब उनकी थ्रेड्स बना देते थे, जबकि MPI के अंदर हम लोग एक डोमेन से दूसरी डोमेन के दरमियान में कम्युनिकेशन करते थे। इसी तरह ये हम लोग पाइथन के अंदर बाकी चीज़ें इस सिमुलेशन वगैरह एनसेंबल करते हैं। तो ये जो सारा अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से ये हाइब्रिड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम लोग MPI मतलब एक डोमेन से दूसरी डोमेन में मैसेजेस भी पास कर रहे होंगे, देन जो एक्सटर्नल लूप्स होंगे वो हम लोग OpenMP के अंदर अगर हम लोग पार्टीशन कर रहे हों, या फिर हम लोग अगर उसी के अंदर अगर CUDA भी यूज़ कर रहे हों, तो ये सारा कुछ जो है वो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग के अंदर आएगा। अगर हम लोग इन तीनों को यूज़ करके कुछ करेंगे, या किसी इन दो का भी किसी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके करेंगे, या इवन CUDA के अंदर भी करेंगे, तो हमारे पास एक तरह की हाइब्रिड प्रोग्रामिंग होगी जिसमें हम लोग
हाइब्रिड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि कुछ पोर्शन ऑफ कोड जो होगा वो हम लोग सीपीयू पे रन करेंगे और जो रिमेनिंग कोड होगा जो जहाँ पे कंप्यूटेशनल टास्क बहुत ज़्यादा होगा वो हम जीपीयू पे रन करेंगे थ्रू कूडा या ओपन सीएल। और इवन जो हमारे पास सीपीयू पे जो कोड होगा सीपीयू वाला जो कोड होगा वो भी हम लोग थ्रू ओपन एमपी या एमपीआई उसको भी हम लोग मज़ीद पैरालाइज करें। तो इस तरह की जो चीज़ होगी हमारे पास वो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग के अंदर आएगी। अच्छा देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा रिवाइज करने की चीज़ है प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स का। तो प्रोसेसेस आप सब लोगों को पता है कि क्या होते हैं कि एक एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चलते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस एप्लीकेशन को। तो वो जो प्रोसेसेस होते हैं तो उन प्रोसेसेस के मज़ीद जो अगर छोटे हम लोग बात करें कि डिवीजन अगर करना चाहें तो उनके उनको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं। तो जो थ्रेड्स होते हैं वो बेसिकली थ्रेड्स और प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। उनकी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कुछ थ्रेड्स पहले एग्जीक्यूट हो सकते हैं कुछ प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस है वो डिफरेंट होती है। और टिपिकली जो होता है इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और जो थ्रेड्स होते हैं बेसिकली वो एक मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं जबकि प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक सेपरेट मेमोरी के अंदर रन करते हैं। अगर थ्रेड्स आपके पास क्रिएट होंगे तो थ्रेड्स जो होंगे वो एक मेमोरी स्पेस को ही यूटिलाइज करेंगे जबकि जो प्रोसेसेस होंगे वो सेपरेट मेमोरी को यूटिलाइज करते होंगे अंदर रन होते हैं। बाकी एक कंपैरिजन है अमंग थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस के। अगर बेसिक कंपैरिजन की बात करें तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक उनको कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा हो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जबकि थ्रेड जो होता है वो उस प्रोसेस का छोटा या जिसको हम लोग लाइट वेट पार्ट कहते हैं वो हो सकता है। मेमोरी शेयरिंग की बात करेंगे तो मेमोरी शेयरिंग की अगर बेस पे इनको दोनों को डिफरेंशिएट करें जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली आइसोलेट होके काम करता है और वो मेमोरी शेयरिंग नहीं करता जबकि थ्रेड जो होता है वो शेयर करता है आपस में मेमोरी। रिसोर्स कंजम्पशन की बात करें तो थ्रेड्स जो होते हैं वो काफ़ी कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस के। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा होंगे या थ्रेड्स हम लोग क्रिएट ही इस वजह करते हैं ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली तौर पे एग्जीक्यूट हो सके जबकि प्रोसेसेस जो होते हैं वह एज़ कम्पेयर टू थ्रेड्स काफ़ी लेस एफिशिएंट होते हैं। और अगर एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें सॉरी क्रिएशन टाइम की बात करें तो प्रोसेस को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि प्रोसेस बड़ा होता है जबकि थ्रेड्स को क्रिएट करने में बहुत कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस के। और अगर स्विचिंग की बात करें आपस में एक थ्रेड को स्विच करना हो या प्रोसेस को स्विच करना हो तो प्रोसेस स्विचिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड के। और टर्मिनेशन जो होती है टर्मिनेशन रिक्लेम की जा सकती है किसी भी थ्रेड की जबकि अगर प्रोसेस को आप टर्मिनेट करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास वो प्रोसेस ही बंद हो जाता है। जबकि अगर टाइम रिक्वायर बात करें अगर कितना टाइम रिक्वायर होगा फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस या थ्रेड तो जो थ्रेड होगा वो जल्दी टर्मिनेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है टर्मिनेशन के लिए। अच्छा फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बात करते हैं कि कंकरेंसी वर्सेस द पैरेललिज्म। कंकरेंसी वैसे ही है जैसे हमारे पास मल्टी टास्किंग होती है। तो मल्टी टास्किंग की जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास कंकरेंसी के लिए जा सकती है कि जिसमें हमारे पास सिंगल कोर के ऊपर हम लोग मल्टी टास्किंग करते हैं स्विचिंग करते हैं अमंग द प्रोसेसेस। जो कंकरेंसी होती है उसके अंदर क्या करते हैं एक या एक से ज़्यादा टास्क हम लोग एक ही टाइम पे स्टार्ट भी कर सकते हैं रन भी कर सकते हैं कंप्लीट भी हो सकते हैं मगर वो ओवरलैपिंग टाइम के अंदर होंगे। ठीक है एक ही टाइम पे नहीं होंगे वो ओवरलैपिंग टाइम पे होंगे। और जो कंकरेंसी है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही टाइम पे सब कुछ कर सकते हैं उसका मतलब होता है सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज़ रन हो सकती है जिसमें हमारे पास मल्टी टास्किंग होती है। जबकि पैरेललिज्म क्या होता है पैरेललिज्म वही हमारे पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर मगर मल्टी थ्रेडिंग अगर होगी तो हमारे पास पैरेललिज्म होती है। ठीक है तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा अगर पैरेललिज्म की बात करें अच्छा अब अगर हम लोग एक बात करें कि कितनी टाइप्स की पैरेललिज्म होगी या पैरेललिज्म की अगर बात करें तो हमारे पास चार तरह की पैरेललिज्म हो सकती हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म टास्क लेवल डेटा ड्रिवन लेवल एंड ट्रांजेक्शन लेवल पैरेललिज्म। तो बारी बारी इनको देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होगी। थोड़ी सी हमने लास्ट क्लास में भी कुछ डिस्कशन की थी। तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होती है कि आपके पास मल्टीपल सॉरी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक ही
इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम से हम लोग एग्जीक्यूट हो सकें कंकरेंटली तौर पे, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन अवेयर प्रेजेंट के अंदर देखा था पाइप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अब तो हम लोग इंस्ट्रक्शन अवेयर प्रेजेंट से हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। वैसे जो था जो इंस्ट्रक्शन अवेयर प्रेजेंट थी उनको हार्डवेयर लेवल या कंपाइलर लेवल के ऊपर मैनेज किया जाता था, जिसमें पाइप लाइनिंग के थ्रू या कंट्रोल डिपेंडेंसीज और डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से ये काफ़ी अब लिमिटेड हो गई हैं। जबकि आजकल जो यूज़ होती हैं यूजली टास्क लेवल है, इसको हम लोग थ्रेड लेवल पैरिज्म कहते हैं। थ्रेड लेवल पैरिज्म में क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड्स या कुछ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीक्वेंस जो होते हैं सेम एप्लीकेशन से, वो एक ही टाइम के ऊपर रन हो रही होती हैं, और इनको जो होता है टास्क लेवल या थ्रेड लेवल पैरिज्म जो हम लोग अचीव करते हैं उसमें कंपाइलर और हार्डवेयर दोनों उसको मैनेज या जनरेट करते हैं। तो कंपाइलर लेवल हम लोग इसको मैनेजमेंट करते हैं आजकल। हाँ, इसमें जो इशू आते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन का आता है, अमंग द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैसे की जाएगी, और वो फिर डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम कौन सा चल रहा है, ठीक है, और आपका ये प्रोग्रामिंग टूल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। देन इसके अलावा हमारे पास डेटा लेवल पैरिज्म होती है। डेटा लेवल पैरिज्म में क्या होता है कि एक मल्टीपल डेटा स्ट्रीम से आप एक ही टाइम पे सिंगल स्ट्रीम्स को अगर ऑपरेट करो, जैसे हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा का एग्जांपल हमने देखी थी लास्ट टाइम। हाँ, यहाँ पे जो होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का हम लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल मेमोरीज के ऊपर अगर सेम टास्क कंप्यूट हो तो उस तरह का जो होगा वो हमारे पास डेटा लेवल पैरिज्म होगा। अच्छा, लास्ट टाइम ऑफ पैरिज्म, लास्ट टाइप ऑफ पैरिज्म जो है वो हमारे पास ट्रांजेक्शन लेवल पैरिज्म होती है। इसमें मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट मेमोरीज से या डिफरेंट ट्रांजेक्शन से या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकें, तो हमारे पास वो ट्रांजेक्शन लेवल पैरिज्म है। ये जो है इधर हमारे पास ओवरहेड्स का थोड़ा सा इशू आता है और उनकी कंकरेंसी का थोड़ा सा इशू आता है, बाकी हमारे पास ट्रांजेक्शन लेवल पैरिज्म एज कम्पेयर टू डेटा लेवल पैरिज्म ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ इश्यूज़ की अगर बात करें तो जो हमारे पास सबसे बड़ा जो हमें इशू फेस करना पड़ता है आईएलपी के अंदर, कि वहाँ पे हमारे पास ब्रांच प्रिडिक्शन या कौन सी हमने एग्जीक्यूशन करनी है उसकी लिमिट्स होती हैं आईएलपी की, जो हमने लिमिट्स देखी थी उस वजह से हम लोग मज़ीद पैरलाइज या पाइपलाइनिंग को मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है वो हमारे पास मेमोरी का है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमने सीपीयू की जो स्पीड है वो तो हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। एक एस्टिमेटेड है कि फ्रॉम 1986 इन 14 ईयर्स के अंदर हमने जो एवरेज रेट इंक्रीज़ हुआ है सीपीयू का वो अराउंड 55% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सीपीयू की जो हमने प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो इंक्रीज़ की है वो अराउंड अब तो हमारे पास 3 GHz 4 GHz अप टू 5 GHz भी प्रोसेसर हमारे पास अचीव हो रहे हैं। उसके बजाय जो हमने मेमोरी एक्सेसिंग स्पीड जो है वो रैम की अगर स्पीड की बात करें तो हमारे पास बहुत कम इंक्रीज़ आया। तो ये जो मेमोरी की वजह से हमारे पास बॉटलनेक है, जिसका मैंने आप लोगों के ग्राफ भी शेयर किया था कि परफॉर्मेंस हमारी उतनी बेहतर नहीं हुई जितना हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है, तो उस वजह से हमारे पास जो ये बॉटलनेक है वो मेमोरी की वजह से क्रिएट होता है। देन हमारे पास एक और इशू ये होता है कि सपोज़ आप प्रोसेसर की स्पीड बहुत इंक्रीज़ करते हो, जितनी आपके प्रोसेसर की पावर ज़्यादा होगी तो उतना जल्दी वो गर्म भी हो जाएगा या जिसको हम लोग कहते हैं हीट अप हो जाता है। तो जो पावर वॉल है वो और ये मेमोरी वॉल और ये आईएलपी वॉल, इन तीनों को अगर हम लोग देखें एक साथ तो हमारे पास ये बहुत ह्यूज चैलेंज है आजकल कि किस तरह हम लोग मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। देन इसके अलावा कुछ और हम लोग इश्यूज़ देखेंगे, जिसमें हम लोग APIs देखेंगे कि APIs क्या होंगी, कैसे उनको कॉल किया जाएगा। देन कंपाइलर डायरेक्टिव्स देखेंगे इस कोर्स के अंदर, और उसके अलावा कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।